hello children so now we will start today uh, the map work for class 2 and that is world map which is uh, which is from the book fundamental of human geography uh, i feel students have some kind of fear from world map but after watching this video आई फील यू योर फीयर विल गो अवे सो यू विल नॉट हैव एनी काइंड ऑफ फीयर फ्रॉम वर्ल्ड मैप जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि ऑलरेडी इस बार जो है मैपवर्क जो है बहुत ईजी हो चुका है ना दिस टाइम यू विल गेट सेवन क्वेश्चन एंड यू विल हैव च्इस यू हैव टू अटेंड ओनली फाइव क्वेश्चन सो इट 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 विल बिकम आई थिंक ईजी दिस टाइम सो लेट स्टार्ट फर्स्ट देयर इज़ द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ ईच कॉन्टिनेंट लार्जेस्ट कंट्री ऑफ ईच कॉन्टिनेंट यू कैन सी हेयर लार्जेस्ट कंट्री ऑफ ईच कॉन्टिनेंट सो फर्स्ट वी विल टेक द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ नॉर्थ अमेरिका आई थिंक बच्चों को ये पता होना चाहिए कि हमारे जो मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं तभी हम उसके अंदर लोकेट कर पाएंगे तो अगर हम बात करें फर्स्ट जो है यहाँ पर लार्जेस्ट कंट्री की तो पहला जो है हमारा नॉर्थ अमेरिका हम लेंगे तो नॉर्थ अमेरिका में लार्जेस्ट कंट्री जो है हमारी वो है कैनेडा तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है कैनेडा जो है हमारी फर्स्ट जो हो जाएगी कंट्री uh, हो जाएगी यहाँ पर नॉर्थ uh, अमेरिका से सेकंड जो है हमारी साउथ अमेरिका है ये हमारा नीचे साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका के नीचे तो यहाँ पर हो जाएगी ब्राज़ील जो लार्जेस्ट कंट्री होगी यहाँ पर इस कॉन्टिनेंट की साउथ अमेरिका की तो वो ब्राज़ील हो जाएगी देन आपका यूरोप में फ्रांस ये आपका फ्रांस है यहाँ पर आपको अच्छे से लोकेट कर लेना है मैप वो की बहुत प्रैक्टिस करनी होगी आपको देन अलजीरिया इन अफ्रीका सो इट्स द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ अफ्रीका अलजीरिया देन चाइना इन एशिया सो चाइना इज द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ एशिया नेक्स्ट इज ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट और वी कैन से ओशीनियन कॉन्टिनेंट सो हेयर इज ऑस्ट्रेलिया इज़ द लार्जेस्ट अगर आपसे पूछता है कि ओशीनिया का लार्जेस्ट कंट्री कौन सा है तो भी आप ऑस्ट्रेलिया ही मार्क करेंगे क्योंकि ध्यान रखना कि ऑस्ट्रेलिया भी पूछ सकता है और आपसे ओशीनिया भी पूछ सकता है क्योंकि ओशीनिया एक कॉन्टीनेंट माना है क्योंकि ये न्यूजीलैंड ने भी इसको बोला है कि ओशीनिया कॉन्टीनेंट है हमारा क्योंकि हम ओशन में हैं तो हमारे यहाँ पर जैसे तस्मानिया है न्यूजीलैंड है ऑस्ट्रेलिया है अदर कंट्रीज हैं तो ये आपको ध्यान रखना है तो ऑस्ट्रेलिया ही है कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको इसमें ऑस्ट्रेलिया ही सबसे बड़ी कंट्री है बाकी सब बहुत छोटे छोटे आइलैंड्स हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हाँ एक एक आपको डाउट होगा कि सर जैसे यहाँ पर रशिया जो है बड़ी कंट्री है तो रशिया यूरोप और एशिया दोनों में आती है तो इसलिए कहीं ना कहीं मैप में मैंने जो प्रीवियस ईयर्स को देखा है तो उसमें आपको चाइना दिया हुआ एशिया से और फ्रांस दिया हुआ है आपका वे well, यूरोप से तो आप थोड़ा सा इसमें ध्यान दे रखेंगे अगर रशिया दिया हुआ तो वो एकदम अलग से आइडेंटिफाइड है आप यहाँ पे रशिया मार्फ कर देंगे अगर आ जाता है इनकेस तो ये आपका हो गया लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बहुत इजी है तो यहाँ पर हम इंडेक्स में देख लेते हैं फटाफट से फ़र्स्ट uh, है आपका यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका दैट इज़ कैनेडा साउथ अमेरिका में है हमारा ब्राज़ील यूरोप में हमारा है फ्रांस अफ्रीका में अलजीरिया और एशिया में चाइना यहाँ पर अपने स्लैश में रशिया भी लिख दिया है ऊपर भी लिख सकते हैं फ्रांस में भी यूरोप में भी लिख सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ऑशीनिया में ऑस्ट्रेलिया तो ऑस्ट्रेलिया एक अपने आप में कॉन्टिनेंट भी है और एक कंट्री भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये हो जाएगा आपका वन मार्क कंप्लीट यहाँ से आप एक एक मार्क का ये जरूर अटेंड करेंगे क्योंकि एक नंबर यहाँ पे आपका बन जाएगा पाँच करने आपको साथ में से तो थोड़ा स्ट्रेटेजिकली भी चलेंगे थोड़ी अपनी स्ट्रेटी भी होनी चाहिए कि हमको कैसे जो है पाँच चूज़ करने हैं नेक्स्ट है हमारा प्राइमरी एक्टिविटी देखो बच्चे इससे थोड़ा सा खौफ खाते हैं मुझे लगता है बट ऐसा कुछ है नहीं बहुत आसान है अगर आपको ये पता हो कि ये एक्टिविटी किस काइंड किस टाइप की एक्टिविटी है मीनस इट इज अ इजिव एक्टिविटी ट्रेडिशनल एक्टिविटी और इट इज अ मॉडर्न एक्टिविटी और कमर्शियल एक्टिविटी अगर आपको यह पता है तो आप कहीं ना कहीं न, अंदाजा भी लगा सकते हैं कि जो आपकी प्रेमटिव एक्टिविटी होती है वो जनरली आपका जो है इक्वेटर के आसपास के जो एरिया होते हैं अफ्रीका में है ना या फिर साउथ अमेरिका में जो जैसे अमेजन बेसिन है इधर से हमारा ट्रॉपिकल अफ्रीका है या फिर हमारा जो नॉर्दर्न लेटीट्यूड के आसपास जो है हमारा जो ऊपर जो है हमारा यू नॉर्दर्न यूरेशिया वाला पार्ट है नॉर्दर्न कैनेडा वाला पार्ट है तो ये ट्रेडिशनल और जो प्रिमिटिव टाइप ऑफ एक्टिविटी होती है तो आप कहीं ना कहीं अगर आपको बस पता होना चाहिए कि हाँ ये ऊपर क्या है यूरेशिया। एक का आंसर यूरेशिया सौ मिलेगा तो आप बहुत इजीली मार्क कर सकते हो इसी तरह से अगर हम बात करें जो हमारी कमर्शियल और डेवलप एक्टिविटीज़ हैं जैसे हमारी वो कहाँ मिलेंगी आपको वो आपको नॉर्थ ईस्टर्न यू में मिलेंगी नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप में मिलेंगी है ना इसके अलावा कुछ और जैसे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड और आपका वेस्टर्न यूरोप ये सभी कंट्रीज़ में आपको मिलेगी कहीं ना कहीं तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाकी हाँ टू बी मोर स्पेसिफिक सो वी हैव टू गो थ्रू द मैप एरिया ऑफ़ सब्सिस्टेंस गैदरिंग फर्स्ट विल टेक एरिया ऑफ सब्सिस्टेंस गैदरिंग तो यहाँ पर हमारा जो है uh, सबसे पहले जो है आपको एरिया आपको लोकेटेड मिलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको सिर्फ आप मार्क करना है तो देखिए अब ये आपको दे दिया है पूरा का पूरा तो यहाँ पर आपको तो हमने थोड़ा अलास्का को भी कर दिया है अलास्का नहीं करेंगे यहाँ पे पूरा नॉर्दर्न कनाडा रहेगा कहीं ना कहीं है ना तो ये आपका या तो नॉर्दर्न यहाँ पे कनाडा हो जाएगा तो ये आपका जो मैप वर्क में लिखा हुआ है पहले हम इसको ऐसे करते हैं पहले हम लोग जो है थोड़ा सा पहले एक पर इंडेक्स देख लेते हैं तो देखिए ये हमारे जो है मेन जो है यहाँ पर प्लेसेज <coughs> हैं जो हमको लोकेट करने पूछे जा सकते हैं आइडेंटिफाई करने पूछे जा सकते हैं तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर जो है नॉर्दर्न कैनेडा है देन अमेजन बेसिन है ट्रॉपिकल अफ्रीका है नॉर्दर्न यूरेशिया है इंटीरियर पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया है एंड नॉर्दर्न फ्रिंज ऑफ ऑस्ट्रेलिया है सो नाओ यू कैन सी दिस इज़ अ सब्सिस्टेंस गैदरिंग मीन्स इट्स इज़ अ ट्रेडिशनल और अ प्रमेटिव एक्टिविटी तो आपको पता होना चाहिए कि ये कहीं ना कहीं उन एरियाज़ में मिलेगी जहाँ पर आपको uh, जो है ज़्यादा डेवलप नहीं है है ना जो डेवलपिंग है या फिर अंडर डेवलप एरियाज़ हैं उसके बारे में बात करेंगे तो थोड़ा सा ऊपर uh, वाला जो पोर्शन रहेगा जैसे अब आप आपका नॉर्दर्न कैनेडा जो है आपको पता ऊपर एकदम जो नियर टू आर्कटिक है तो ठंडे एरिया हैं तो आप बहुत ईजिली इसको बता देंगे तो ये हो जाएगा आपका नॉर्दर्न कैनेडा देन यहाँ पर नॉर्दर्न यूरेशिया आपको पता है यूरोप और यूरोप और एशिया को मिला दिया है तो यहाँ पर नॉर्दर्न यूरेशिया देन यहाँ पर है हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट है अमेजन बेसिन ये पूछता है आपसे साउथ अमेरिका में जो है आपका अमेजन रिवर भी यहाँ पे पास करती है तो अमेजन बेसिन जो है अमेजन फॉरेस्ट है हमारे इक्वेटर के आसपास और देन यहाँ पर ट्रॉपिकल अफ्रीका है ये आपका ट्रॉपिकल अफ्रीका रहेगा देन यहाँ इंटीरियर पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया है इंटीरियर पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया है तो ये आपका इंटीरियर पार्ट होगा साउथ साउथ ईस्ट एशिया का और इसके अलावा जो है नॉर्दर्न फ्रिंज ऑफ ऑस्ट्रेलिया तो ये आपका देख पा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जो है जैसे ये आपका पापुआ न्यू गिनी एंड ऑल ये सब चीज़ें यहाँ पर जो हैं ये आपको दिख रही होंगी तो ये है नॉर्दर्न फ्रिंज ऑफ ऑस्ट्रेलिया तो ये हमारा फर्स्ट मैप रहेगा आपको यहाँ पर वो बोलेगा एरिया ऑफ सबसिस्टेंस गैदरिंग एरिया ऑफ सबसिसटेंस गैदरिंग बच्चे क्या करेंगे वहीं पे लिख देंगे एरिया ऑफ सबसिसटेंस गैदरिंग हो जाएगा गलत तो आपको एरिया का नाम बताना है हाँ आपको पता चल गया कि वो सबसिस्टेंस गैदरिंग है अगर वो यहां दिया हुआ है है ना इन केस वो यहां दिया हुआ है तो आप लिख देंगे अमेजन बेसिन अगर यहां दिया हुआ है तो आप लिख देंगे ट्रॉपिकल अफ्रीका यहाँ दिया हुआ है तो आप लिखेंगे इंटीरियर पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया अगर यहाँ दिया हुआ है ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ऊपर तो आप लिखेंगे नॉर्दर्न फ्रिंज ऑफ ऑस्ट्रेलिया ऊपर दिया हुआ है तो यूरेशिया ऊपर दिया हुआ है तो नॉर्दर्न कैनेडा तो ये आपको लिख कर आना है ना कि आपको एज इट इज उठा के लिख देना है एरिया ऑफ गैदरिंग तो गलत हो जाएगा तो ध्यान रखना इस चीज को तो पहला मैप हो गया हमारा बात करते हैं दूसरा जो है हमारा एरिया ऑफ नोमेडिक हर्डिंग तो नोमेडिक हर्डिंग के अंदर अगर हम बात करेंगे तो यहां पर हमारे पास पहले हम इंडेक्स देख लेते हैं थोड़ा सा इंडेक्स में आपका थोड़ा आसान हो जाएगा तो ये नोमेडिक हर्डिंग क्या है ये आपका जो हम है ना पेस्टोलिज्म के अंदर एक की एक्टिविटी आती है जो भी एक प्रिमेटिव एक्टिविटी है है ना जो हम घूम घूम कर जो पशुओं के साथ जो हम लेकर जाते हैं ट्रांस्यूमन्स वगैरह करते हैं तो हमारा नोमेडिक हर्डिंग में आ जाता है तो इसमें हमारा जो फर्स्ट रहेगा एटलांटिक जो शोर ऑफ नॉर्थ अफ्रीका ये यहाँ से स्टार्ट होता है एटलांटिक शोर से देन आपका ईस्टवर्ड अक्रॉस द अरेबियन पेनन्सुला एंड देन मंगोलिया एंड देन सेंट्रल चाइना तो अब इन सभी को अलग अलग लोकेट कर लेंगे हम कई कुछ भी पूछ सकता है टूंडरा रीजन है आपको पता है कि यूरेशिया वाला पार्ट है रीजन ऑफ यूरेशिया ऊपर वाला पार्ट रहेगा साउथ वेस्ट अफ्रीका जो आपका डेजर्ट पार्ट है कहीं ना कहीं पे आपका डेजर्ट है और आइलैंड ऑफ मेडागास्कर तो ये आपके एरियाज हैं आपको बहुत आसानी से कर लेने हैं अगर आपको पूछा जाता है तो अब देख लेते हैं फटाफट से जो लोकेटेड पार्ट है उसको देख लेते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऊपर आपको क्लियरली मेंशन है हमने यूरेशिया मैं बता रहा हूँ एक आधा जरूर आएगा तो अगर ऊपर दिया हो तो आप इजीली उसको नॉर्दर्न यूरेशिया मार्क कर देंगे टुड्रा रीजन ऑफ यूरेशिया मार्क कर देंगे आपको मार्क्स मिल जाएगा एक तो बहुत आसान है देखो नंबर लेना है ना तो हमारे को बहुत ईजीली मिल जाएगा तो ये देखिए हमारे पास क्या है आपका टुंड्रा जो आपका रीजन है ऑफ यूरेशिया देन वी हैव जो है हमारा एक पार्ट है आपका देखिए ये सारा डेजर्ट पार्ट है साउथ अफ्रीका में सॉरी अफ्रीका में कॉन्टिनेंट में अगर आप नज़र डालेंगे एक बारी तो ये आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट है ठीक है ना और इसका जो नॉर्दर्न पार्ट है वो सहारा डेजर्ट है आपको पता है तो एक तो सहारा डेजर्ट हो जाएगा कहीं ना कहीं ये आपको लिखना है अटलांटिक शोर क्योंकि देखो ये आपका अटलांटिक ओशन है और इसी अटलांटिक ओशन के शोर से स्टार्ट हो रहा है और जब ईस्ट वर्ल्ड की साइड जा रहा है देन आपका यहाँ पर जो है ये आपका जो है अगर आप देखेंगे तो ये आपका जो आ गया यहाँ पर ये आपका पेनन्सुला है अरेबियन पेनन्सुला है ना फिर इस तरह से यहाँ पर इराक ईरान को ये मिडस्ट मिड जो आपको है ना इसको फॉलो फो, इसको आगे हम बढ़ते जाएंगे तो आगे चले जाएंगे तो ये हमारा सेंट्रल चाइना आ जाएगा ये हमारा सेंट्रल चाइना चाइना का सेंट्रल पार्ट है ऊपर एक कंट्री है मंगोलिया तो मंगोलिया आ जाएगा तो ये बहुत ईजिली आप लोकेट कर सकते हैं कहीं प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी कुछ भी ये पूरा ही दिया मिल सकता है बाकी मुझे लगता है कि इतना टफ नहीं देगा एक एक सिंपल चीज़ देगा आपको बहुत ईज़िली आप लोकेट कर पाओगे जैसे आपको एक ही दे देगा जैसे आपका ये दे देगा ये पोर्शन दे देगा तो आप बता देंगे कि क्या है सेंट्रल चाइना है अगर ये पोर्शन दे देगा दे तो क्या है मंगोलिया है अगर ये पोर्शन दे देगा दे तो आपको बता देंगे क्या है सऊदी अरेबिया है इधर से ईरान इराक भी है लेकिन नहीं पूछेगा अरेबियन पेनसुल्ला है जो आपकी बुक में लिखा हुआ है आपका ये पूछेगा अटलांटिक शोर ऑफ नॉर्थ अफ्रीका या फिर आप बोल सकते हैं आप इसको लिख सकते हैं नार्दन अफ्रीका है ना तो ये आपका जो है मेजर पोर्शन हो जाएगा तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये सारे डेजर्ट एरिया हैं यहीं पर ही आपको पता है ज़्यादातर जो है हम गोट शीप कैमल का यूज़ करेंगे और इनको हम लेकर जाएंगे तो इस आपका आइडिया लगा सकते हैं थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट अगर आपका अच्छा बिल्ट है तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी कहीं भी इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रीजन की वो है हमारा साउथ वेस्ट अफ्रीका देखो ये साउथ में भी है और वेस्ट में भी है ये आपका लगभग जिम्बाबे बोत्सवाना कंट्री है यहां पर आपका कालाहारी डेजर्ट डे, 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 डे है तो ये काला हरी डेजर्ट डे है तो डेजर्ट एरिया ये भी कहीं ना कहीं तो ये हो जाएगा और मेडागास्कर आइलैंड जो है ये तो बहुत आसान है बिल्कुल ये तो बच्चों के लिए एक आइलैंड है आपका अफ्रीका के ईस्ट में तो ये हो जाएगा आपका मेडागास्कर आइलैंड आइलैंड ऑफ मेडागास्कर तो ये आप एरियाज हैं एरिया ऑफ नोमेडिक हर्डिंग तो दूसरा हो गया प्राइमरी एक्टिविटी में ये आपको हेल्प करेगा जब आप फाइव मार्क क्वेश्चन भी आपका आना है प्राइमरी एक्टिविटी से तो आपको वहां पे एरिया तो जरूर लिखना होगा तो एरिया में भी हेल्प करेगा आपको और मैप में भी हेल्प करेगा तो आप बहुत अच्छे से इसको कर लीजिए क्योंकि आपका मैप वर्क में भी काम होने वाला है और आपका क्वेश्चन जब आप लिखेंगे सब्जेक्टिव uh, टाइप तो उसमें आपका एरिया भी आपको मैंशन करना पड़ेगा फटाफट से टुंडरा यहां पे रीजन ऑफ यूरोप यूरेशिया आपको देखो आपको जो है लोकेट नहीं करना है आपको आइडेंटिफाइड मतलब ऑलरेडी लोकेटेड मिलेगा बस आपको वहाँ पे आइडेंटिफाई करना है और उसका नाम लिख देना है कि वो लेबल कर देना है और आइडेंटिफाई करना कि हाँ ये कौन सा एरिया है आपको लगता है यूरेशिया यूरेशिया लिख दो आपको लगता है कि हाँ ये ऊपर मंगोलिया कंट्री है देखो आपको वैसे मिलेगा बाउंड्री वाला मैप मिलेगा पोलिटिकल मैप तो आप बहुत ईज़ी कर सकते हैं सेंट्रल चाइना है, है इधर से आपका जो है सऊदी अरेबिया है जो आपका अरेबियन पेनन्सुला है यहाँ पर आपका अरेबियन पेनन्सुला में नीचे आपका यमन और ओमान जो कंट्री है ये भी आ जाती हैं तो अटलांटिक शोर ऑफ नॉर्थ अफ्रीका है एंड देन साउथ वेस्ट अफ्रीका है और मैं बैडगास्कर है तो बहुत ईजी है आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी को भी तो ये दूसरा मैप हो गया बात करते हैं तीसरा एरिया ऑफ कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग तो ये कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग है और इसके अंदर जो है पहले हम इंडेक्स देख लेते हैं फटाफट से तो ये हमारा जो है आपका यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इधर जो है यूएसए है उरुग्वे है अर्जेंटीना है ऑस्ट्रेलिया है और न्यूजीलैंड है कहीं ना कहीं आपको पता है कमर्शियल वर्ल्ड जुड़ चुका है इसके अंदर तो ये कोई ना कोई एक मॉडर्न डेवलप एक्टिविटी है है ना तो थोड़ा इसमें आपको पता है साइंटिफिक एक एक्टिविटी है आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं इसको तो सबसे पहले आपकी बुक में जो दिया हुआ है मैं बता देता हूँ जैसे वैसे तो ये कहीं ना कहीं वेस्टर्न यू का पार्ट हो जाएगा है ना ये आपका वेस्टर्न यू का पार्ट हो जाएगा लेकिन क्योंकि इसमें बुक में यू लिखा हुआ तो इसलिए हमने यहाँ पर यू ही लिख दिया है अगर अदरवाइज ये क्या है वेस्टर्न यू है यहाँ पर भी आपका एक डेजर्ट है तो आप इसको लोकेट कर देंगे यहाँ पर एक कंट्री है जो आपको उरुग्वे यहाँ पर कंट्री आप देख पा रहे हैं छोटी सी कंट्री है बिल्कुल एकदम कोस्ट के ऊपर है साउथ अमेरिका में तो ये आपकी कंट्री है ये उरुग्वे है इधर से आपको अर्जेंटीना मिल जाएगा ये आपका कुछ ब्राज़ील का पार्ट हो जाएगा तो आप लोग इसको लोकेट कर सकते हैं अगर मिलता है तो अगर यही उरुग्वे लोकेट किया गया तो आप उरुग्वे छोटी सी कंट्री है और अर्जेंटीना आपको पता नीचे अर्जेंटीना है तो ये आपको अर्जेंटीना तो याद रहेगा ही रहेगा अभी वर्ल्ड कप जीते हैं तो ये भी हो जाएगा इसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये आपका जो है कहीं ना कहीं वही साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका है तो ये भी आप लोकेट कर देंगे बुक में आपका लिखा नहीं हुआ है इसके बारे में कुछ भी ऐसे यहाँ पर सेंट्रल एशिया है तो थोड़ा सा आप जो है है ना तो इस इस एरिया को आप देख लेंगे बाकी जो है मुझे लगता है कि मेन यहाँ ऑस्ट्रेलिया से पूछ लेगा या न्यूजीलैंड से पूछ लेगा इस इसमें से कमर्शियल में से या फिर यू में से पूछेगा या फिर आपका उर्गवे और अर्जेंटीना में से पूछ लेगा क्योंकि इनके बारे में कुछ मैंशन नहीं है बुक में तो मुझे लगता है कि नहीं पूछेगा आप अगर पूछ भी लेता हैं तो साउथ वेस्ट अफ्रीका है आप बहुत ईजिली वहाँ पर मार्क कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी तो ये हो जाएगा आपका सेकेंड जो है आपका थर्ड मैप हो जाएगा मेजर एरिया ऑफ कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग नेक्स्ट हम लोग चलते हैं एरिया ऑफ एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग तो ये तो बहुत आसान है इसका तो आपको एम में भी पूछ सकता है और बच्चों को एकदम अच्छे से याद होता है कि एक्सटेंसिव ग्रेन फार्मिंग ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड कैनेडा इज प्रेरीज है ना यूरेशियन स्टेपीज ये तो ऐसे ही आपको होना चाहिए नॉर्थ अमेरिकन प्रेरीज ऐसे आप इसको बोलिए यूरोपियन स्टेपीज है ना वेल्ड ऑफ अफ्रीका एंड देन आपका कैंटरबरी ऑफ न्यूजीलैंड Downs of Australia and then Pampas of Argentina. So, this is how you will learn it, and definitely you will going to locate it and label it. सो फर्स्ट यहाँ पर है आपका प्रेरीज ऑफ़ यू एस एंड कैनेडा सेकेंड है पम्पास इन अर्जेंटीना वेल्ड्स ऑफ अफ्रीका साउथ अफ्रीका ओनली नॉट अफ्रीका इट्स साउथ अफ्रीका इट्स अ कंट्री यूरेशियन स्टेपीज यूरोप एंड एशियन स्टेपीज एंड द ऑस्ट्रेलियन डाउन्स एंड देंटर सेंटर प्लेन ऑफ न्यूजीलैंड इट्स कॉल्ड कैंटरब्री कैंटरब्री प्लेन है ना यहाँ पे सेंटर प्लेन लिख दिया कैंटरब्री जो है आपका कैंटरबरी प्लेन ऑफ न्यूजीलैंड तो बहुत ईजी है कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे फटाफट से लोकेट कर देते हैं हम लोग Uh, यहाँ पर हमारा जो पहला है ये है हमारा प्रेरीज ऑफ यू एस एंड कैनेडा सो दिस इज़ दे प्रेरीज है ना नॉर्थ अमेरिका और कैनेडा में क्या है प्रेरीज अगर यहाँ पर मिलेगा आपको बुक में क्वेश्चन uh, पेपर में क्या मिलेगा एरिया ऑफ एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग आप अगर आपका नॉर्थ अमेरिका में आपको आइडेंटिफाइड दिया हुआ है बस आपको देखना है कि ए पार्ट जो है यहाँ पर लोकेट है तो ए पार्ट आप यहाँ पे लिख देंगे प्रेरीज़ तो पी आर ए आई आर आई ई -E एस ध्यान रखना है इसको भूलना नहीं है एकदम अर्जेंटीना में आपका पम्पास है यूरेशिया जो है आपका यूरोप और एशिया में आपका जो है स्टेपीज़ है यूरोप और एशिया में आपका स्टेपीज़ हो जाएगा ये आप देख पा रहे हैं देन आपका साउथ अफ्रीका में वेल्ड्स है और जो है ऑस्ट्रेलिया में डाउंस है तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में डाउंस हो जाएगा न्यूजीलैंड में ये आपका यहाँ पर न्यूजीलैंड है न्यूजीलैंड में आपका क्या है न्यूजीलैंड में आपका है कैंटरब्री कैंटरबरी एंड ऑस्ट्रेलिया में Downs, वेल्ड साउथ अफ्रीका पंपास, अर्जेंटीना नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज़ यूरेशियन स्टेपीज़ सो so वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी easy. नेक्स्ट चलते हैं एरिया ऑफ मिक्स फार्मिंग मिक्स फार्मिंग आपको पता है मिक्स फार्मिंग है है ना तो इससे क्वेश्चन भी आता है तो आपको पता है इसमें दोनों एक्टिविटी होती है कल्टिवेशन भी होता है और यहाँ पर हम पेस्टोलिज्म भी करते हैं यानी कि हमारा जो है हर्डिंग भी हम लोग करते हैं कहीं ना कहीं है ना मतलब आ, जो है हम इसको मतलब जो है रियर करते हैं रियरिंग भी करते हैं हार्डिंग नहीं कहेंगे रियरिंग कहेंगे रियरिंग करते हैं हम लोग तो ये मिक्स फार्मिंग रहेगा तो मिक्स फार्मिंग को देख लेते हैं जब डेवलप कंट्रीज़ में होती है तो बहुत आसान है तो हमारे लिए मिक्स फार्मिंग ध्यान रखना डेवलप एक्टिविटी है तो डेवलप हो जाएगा तो आपको पता है कहाँ होगी फिर ये ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका में है ना ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका टेम्परेट लेटीट्यूड ऑफ साउथ अमेरिका साउथ साउथ साउदन कॉन्टिनेंट यूरेशिया एंड देन नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप तो बात करते हैं फटाफट फटाफट आसान से हैं चारों तो पहला जो है हमारा जो है ये आपको पता है अमेरिका का जो ईस्टर्न पार्ट है तो ये हमारा दिख रहा है आपको बहुत इजी है कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ पर नहीं आएगी है ना तो ये हमारा है ईस्टर्न पार्ट आप देख पा रहे हैं सॉरी ईस्टर्न पार्ट ईस्टर्न पार्ट जो है हमारा ये है आपका यू एस ए का ईस्टर्न यू एस ए ये ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका है Eastern North America, ना तो ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका रहेगा ये आपका जो है नॉर्थ वेस्ट यूरोप नॉर्थ वेस्ट यूरोप है और ऊपर वाला जो पार्ट है यूरेशिया हो जाएगा क्योंकि ये दोनों में है यूरोप और एशिया में अगर दोनों में दिया मिलेगा यूरोप और एशिया में तो आप यूरेशिया मार्क करेंगे देन आपका जो है टेम्परेट लेटीट्यूड ऑफ सदरन कॉन्टिनेंट तो यहाँ पर जो टेम्परेट रीजन में आते हैं तो ये टेम्परेट रीजन में आते हैं ये जो आपके तीन यहाँ पर दिए हुए हैं ये तीनों के तीनों टेम्परेट रीजन में आ रहे हैं तो ये टेम्परेट लेटीट्यूड्स ऑफ साउदर्न कॉन्टिनेंट हैं तो यही है बहुत आसान है मिक्स फार्मिंग तो बहुत मुश्किल है नहीं यहाँ पर और जहाँ तक मुझे लगता है नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप और ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका में से कोई ना कोई एक पूछ लेगा आपसे तो ध्यान रखना बहुत ईजी है कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को यहाँ पर भी तो ये हो गया हमारा प्राइमरी एक्टिविटी तो पांच मैप है प्राइमरी एक्टिविटी के पांचों के पांचों आपको बड़े अच्छे से कर लेने हैं कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको और अभी हम चलेंगे किसकी तरफ़ हमारा जो है नेक्स्ट जो है हमारा Yeah. Mm -hmm. आपका यहाँ पर हम बात करते हैं टर्मिनल स्टेशनस ऑफ ट्रांस कॉन्टीनेंटल रेलवे टर्मिनल स्टेशन की बात करते हैं जो कि बहुत आसान है टर्मिनल स्टेशन्स बच्चों को ये पता है आसान ही लगते हैं बिल्कुल यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आती है टर्मिनल स्टेशन्स में क्योंकि हमारा जो कॉन्टिनेंटल जो हमारा रेलवे है उसी के दो टर टर्मिनल स्टेशन्स हैं और जब हम क्योंकि आपको पता है इस बार तो वो तीन मार्क्स में आएगा आपका है ना उसका एक जैसे मैप आपको मिलेगा सोर्स बेस्ड क्वेश्चन की फॉर्म में और उसके तीन क्वेश्चन मिलेंगे आपको तो ये उसमें भी आएगा वहाँ भी हेल्प करेगा और यहां पर भी हेल्प करेगा तो एक नंबर एक नंबर आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा तो हम यहां पर बात करेंगे हमारे जो है तीन जो हमारे ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे हैं फर्स्ट इज ट्रांस कैनेडियन रेलवे देन ट्रांसाइबेरियन रेलवे रेलवे एंड देन ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे तो पहले हम बात करते हैं ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे तो आपसे पूछेगा ईस्टर्न टर्मिनल ईस्टर्न टर्मिनल ऑफ ट्रांस कैनेडियन रेलवे तो ईस्टर्न टर्मिनल कौन सा हैलीफेक्स है तो बहुत आसान है ये हेलीफैक्स आप यहाँ पर लोकेटेड तो ऑलरेडी मिलेगा बस आपको हेलीफैक्स लिख देना है अगर ये वेस्टर्न कोस्ट पर रहेगा तो वैंकुवर तो वैंकुअर ऑन द वेस्टर्न कोस्ट हेलीफैक्स ऑन द ईस्टर्न कोस्ट दैट इज ट्रांस कैनेडियन रेलवे नाउ लेट्स टॉक अबाउट दट वट अपन

trans canadian railway so here is trans canadian railway so our trans canadian railway it's on eastern coast is sydney and on western coast it's perth so it's very easy i think uh, no problem in that mm. so let's again take it uh, vancouver on the western coast halifax on the eastern coast if we talk about the Trans-Canadian Railway, Trans-Siberian Railway, uh, Vladivostok on the eastern coast, St. Petersburg on the western coast, Sydney on the eastern coast, Perth on the western coast. तो आपको क्वेश्चन जो मिलेगा पेपर में वो कैसे मिलेगा आपसे पूछेगा ट्रांस कैनेडियन रेलवे है ना आपको बताएगा कि टर्मिनल स्टेशन ऑफ ट्रांस कैनेडियन रेलवे अब आप देखो पहले जाकर कि वो टर्मिनल स्टेशन कौन सा है कनाडा का दिया है साइबेरिया का दिया है ऑस्ट्रेलिया का दिया हुआ है अगर दिया हुआ है अगर वो ईस्टर्न कोस्ट पे है तो ईस्टर्न कोस्ट वाले का नाम लिख दो अगर वो वेस्टर्न कोस्ट पर तो वेस्टर्न क्योंकि आपको पता है वो है ना क्रॉस द कंट्री होता है क्रॉस द कंट्री होता है पूरा ट्रांस कॉन्टिनेंट रेलवे एक कोने से दूसरे कोने को कनेक्ट करता है तो आपको पता है इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो हेलीफेक्स हो जाएगा या फिर आपका वैंक कुर हो जाएगा वैली वलाडी वॉर्स्ट हो जाएगा या सेंट पीट्सबर्ग हो जाएगा सिडनी हो जाएगा या बर्थ हो जाएगा तो बहुत आसान है तो चलिए अभी मैं जो है थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा और मुझे लगता है कि जो पोर्ट हैं और जो एयरपोर्ट हैं वो थोड़े से टफ़ पड़ते हैं बच्चों के लिए थोड़ा सा टफ़ हो जाता है और इसी में ही मैं इन्लैंड वाटरवेज भी ले लूँगा साथ की तो आसानी तो है तो उसको मैं अगले वीडियो में लेता हूं तो इतना आप लोग कर लेंगे पहले इस वीडियो से अगले वीडियो में एक और आ जाएगा तो सेकंड पार्ट में हम बिल्कुल क्लियर कर देंगे इसको चलिए थैंक यू